अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ढाका पनामा काटन बेल्ट वाला जिसकी 38 लेंथ है और हैवी नाप है, इस वजह से मुझे यहाँ का हिस्सा ये 13 रखना पड़ा और उसके बाद 5 इंच का बेल्ट लगेगा और फुल लंबाई 5 इंच का बेल्ट है और बाकी 38 लंबाई है। तो मैंने 13 पे रख के ये काट दिया है यहाँ से। अब इसके नीचे के हिस्से में हमें जोड़ डालना पड़ रहा है। 38 इंच 35 इंच पे मैंने पूरा घेरा काट दिया है और ये जो है 13 है। तो इसके अंदर ये अम्ब्रेला फ्राक की तरह कटा है, बंद साइड मेरी तरफ है और यहाँ पर हम बेल्ट का आसन का लगाते हैं निशान 8 इंच। पाँच इंच का घेरा इसका 13-14। बाकी 5 इंच का बेल्ट लगेगा और 7 इंच की है मैंने कटिंग की है। ये अम्ब्रेला स्टाइल की तरह कटता है, इसके अंदर ज्वाइंट लगेगा क्योंकि अरस कम था। ये एक पीस हमारे पास है अभी और दूसरा हम दूसरे पीस में से काटेंगे। दो पीस में बनारसी कपड़ा था, ये कन्नी जाल रही है तो हमें कन्नी के हिसाब से ही ज्वाइंट इसका मिलाना है, कन्नी वाला ही हिस्सा रखना है। इसको हमने पलटा, कम से कम हैवी नाप 3.5 गज में कटता है, मगर हमारे पास 3 गज कपड़ा था जो हमें बाद में लाना पड़ा। और तो इसका दूसरा पीस अब मैं काटती हूँ। एक पीस हमने करने वाला निकाल लिया था और दूसरा इसी हिसाब से इसको दोनों हिस्से सीधे और ये रख के काट दिया। ये करनी और ये करनी मिला दी। कम से कम 4 गज कपड़ा लाए तो डोरी पाइपिंग और प्लाजो अच्छे घेरे का आराम से बन जाता है। हो गए इसके, ये 2 ज्वाइंट हो गए। ये पूरा ये अम्ब्रेला फ्रॉक की तरह कटा, यहां से हमने आसन का निकाल दिया हिस्सा, अब बेल्ट का 5 इंच हो जाएगा। आठ इंच का हमें बेल्ट निकालना है, 13 × 26 26 इंच का निकालना है, 8 इंच चौड़ाई होगी, 1-1 इंच इसकी मार्जिन।
इंच का निकालेंगे तो आराम से मापा भी बन जाएगा और अच्छा दबाव भी आ जाएगा। ये डोरी पाइपिंग सूट में लगेगी। यहाँ पर दोनों पीसेज में ये बेल्ट लग जाएगा, इसको स्टिच करके मैं आपको आपसे शेयर करूँगी। कटिंग के बाद सबसे पहले हमने ये ज्वाइंट लगाए दोनों तरफ, फिर इसका आसन मोड स्टिच किया, उसके बाद जो है बेल्ट लगाया, बेल्ट लगा के प्लास्टिक लगाया, गिजरी स्टिच की और फिर बाद में जो है इसका घेरा मोड़ लिया और फिर 10 मिनट के अंदर ढाका पजामा या प्लाजो बड़े घेरे का, गरारे जितने घेरे का ये रेडी है। ये देखें कितना बड़ा इसका घेरा है। फिर इसको सबसे एंड में नीचे से स्टिच कर लिया 1 इंच जितना और ये रेडी हो गया। मशीन पर ले जाने से उलझता बहुत है बनारसी कपड़ा, तो बिल्कुल ये एक पजामे की तरह सिल जाता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये कटिंग स्टिचिंग पसंद आई हो ढाके पजामे की प्लाजो की, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।